अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ी, हाय हेलो केमचो और बाकी को मेरी यो, मैं हूँ अबू सुफियान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो पट्टे तैयार हो गए हैं, तो आगे और भी वीडियोस हैं उनके डे बाय डे की। परफेक्ट डेट तो नहीं बता सकता, बट जब जब देखा तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रहती थी। और देख सकते हो एक वो पॉट पे बैठा है और एक और कहाँ गया, उसने तो बैठा हुआ है एक अड्डे पे और एक पीछे पॉट पे। और मादी इसकी जो तो फिर से बैठना शुरू कर दी है। तो जाइए आगे की वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। तो एक मटकी हम लोगों ने निकाल दिया, देख सकते हो कि इसमें चार अंडे थे, दो बच्चे निकल गए हैं। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। हिल रहा है, नहीं हिल रहा, ये लग रहा है अभी निकला हुआ है इसका। इसमें रोआ एकदम कम है इसमें। तो चलिए हम लोग वापस रख देते हैं। और उसके बगल वाले में 6 अंडे हो गए और बाकी तो अभी सब खाली है। तो ये देखो 3 बच्चे हैं इसमें और एकदम लग रहा है दाना वाना खा चुके हैं, इसलिए बिल्कुल हिल नहीं रहे। एक बच्चा मर गया और इसमें 4 अंडे थे, इसके बगल वाले में पहले 4 अंडे थे बट बाद में 6 हो गए। फिलहाल देखा गया तो उसमें 5 अंडे बचे थे, यानी एक बच्चा और मरा मुझे नीचे मिला था, तो इसका मतलब वो उसी में करा होगा। तो एक बच्चा इस पॉट में का, एक बच्चा उस पॉट में का मर गया। और अब पता नहीं सेव तो नहीं रही हैं बट पता नहीं निकलेगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल इसमें 3 बच्चे हैं। तो आज ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं, कितने बड़े हुए बच्चे, कितने निकले। हाथ लगाए थे? नहीं, छूने गया। 3 बच्चे हैं, पंखों भी हल्की हल्की निकलने लगी है। इसमें एक बच्चा है और 4 अंडे हैं, जिसमें से 2 तो मुझे गंदे लग रहे हैं, अनफर्टाइल, 2 फर्टाइल हैं बट पता नहीं उसमें लाइफ है या लाइफ हो के मर चुके हैं। इसमें एक बच्चा और था वो मर चुका, 6 अंडे थे इसमें, इसमें 4 अंडे दिख रहे हैं और एक बच्चा, तो इसका मतलब एक बच्चा और रहा होगा, वो मर गया।
और इस वाले में अभी 4 अंडे थे और ये 3 बच्चे हैं, एक बच्चा मर गया इसमें का भी। तरह तरह का जुगाड़ लगाना पड़ता है निकालने के लिए। बाकी मटकी भी चेक करते हैं, देखते हैं उसमें है या नहीं। एक जोड़ और तैयार हो गई है तो पता नहीं अंडे उसने दिए हैं या नहीं। तो बाकी में तो कुछ नहीं है फिलहाल, यही 2 में है बच्चे, 1 में 1 और 1 में 3। निकालो, बाहर निकाले रखना है। बाद में और हल्का होंगे तो उसके बगल ये देख सकते हो बच्चा मट्टी से बाहर निकला है। ये सामने एक बच्चा और है, वो अभी लगा वापस मटकी में घुस गया है। तो वो पहला ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हालांकि अंडे और बच्चे कई हुए थे बट 2 ही बचे। करीब करीब अंडे लेके 10 अंडे दिया था, 6 उधर उस मटकी में, 4 इस मटकी में, और 7 बच्चे निकले थे जिसमें से 5 मर गए, 2 बचे हैं। देख सकते हो। और एक मेरी फिंच भाग गई दाना डालने में और एक फिंच मर गई जो न्यू वाली आई थी, और मादी भागी है और मादी मरी है। फिलहाल मेरे पास 6 फिंच बचे हैं देख सकते हो। और ये 2 बच्चे निकले हैं, एक ये है एक मटकी में है। तो ये देख सकते हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये नीचे बैठा है वाइट के बगल में, और एक बच्चा ऊपर मटकी के लास्ट में पीछे की तरफ। तो एक मर गई, एक भाग गई, 2 कम हुए, 2 पैदा हो गए। अभी तो हिसाब बराबर चल रहा है। चलो नेक्स्ट प्लेस देखते हैं क्या होता है।